अच्छा, जो बिगनर हैं वो सबसे पहले वो ये सवाल पूछते हैं कि शुरुआत तो कर रहे हैं हम कीबोर्ड सीखना, लेकिन कौन सा कीबोर्ड या पियानो लें। कन्फ्यूजन ये भी होता है कि मीडी कीबोर्ड खरीदे या नॉर्मल कीबोर्ड या पियानो खरीदे। तो बिगनर्स के लिए क्या सही है सीखने के लिए, जो सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं तो वो कौन सा मॉडल लेंगे जिस पे प्रैक्टिस हो सकेगी, अच्छे से ज़रा बताइए। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा होता है कीबोर्ड। ये कीबोर्ड दो टाइप का होता है नॉर्मली, एक होता है मीडी और एक होता है जैसे हम लोग बोलते हैं अरेंजर कीबोर्ड या फिर लर्निंग कीबोर्ड ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या होता है, मीडी कीबोर्ड हम लेने के लिए मना करते हैं क्योंकि ये जो चीज़ होता है ये सॉफ्टवेयर के साथ प्ले होता है, मतलब इसका कोई साउंड नहीं होता है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा तभी प्ले होगा और उसका कीज़ भी उतना अच्छा नहीं होता है, तो इट्स नॉट गुड फॉर प्रैक्टिस। तो सबसे बेस्ट है कीबोर्ड लेना है और बढ़िया होगा अगर जो भी कीबोर्ड आप लेंगे उसमें से सबसे अच्छा होगा अगर उसमें कुछ टच होगा। टच मतलब क्या है, नॉट टच स्क्रीन नहीं है, बात यह है कि जो कीज़ होता है उसको अगर ज़ोर से प्रेस करेंगे तो लाउड आवाज़ होगा, अगर धीरे प्रेस करेंगे तो कम आवाज़ होगा। कैसे, जैसे इधर देखिए मेरे पास एक ऐप है, ये डिजिटल पियानो है, ये कीबोर्ड नहीं है, इसमें देखिए सॉफ्ट प्ले कर रहे तो धीरे आवाज़ हो रहा है, ज़ोर से प्ले करेंगे तो जोर से आवाज होगा। क्यों? क्योंकि तब हम ये सब चीज प्ले कर पाएंगे। इसको बोलते डायनामिक्स, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा हाँ, हाथ के प्रेशर के ऊपर आप कंट्रोल कर पाएंगे। फिंगर के प्रेशर पे डिपेंड करेगा। करेक्ट, अगर इस तरह का कीबोर्ड या पियानो लिया जाए तो वो सीखने बेस्ट के है लिए बेस्ट स्टार्टिंग के है, लिए। स्टार्टिंग के हाँ, लिए। तो कुछ मॉडल्स बताइए जिससे शुरुआत कर सके, जो बेसिक भी हो, और बेसिक बेसिक से शुरुआत कीजिए ज़रा। बेसिक के लिए बजट के ऊपर डिपेंड होता है। स्टार्टिंग में आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन कि आप यामा का कोई कीबोर्ड लीजिए क्योंकि यामा का ब्रांड अच्छा होता है स्टार्टअप के लिए, लर्निंग के लिए। यामा का एक मॉडल आता है E373 बोल के, नाइस वन, इज़ गुड मॉडल, उसमें टच भी आता है, नॉर्मल जो जो फंक्शन हमको चाहिए सब रहता है उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेस्ट मॉडल है। उसका बजट अराउंड आई थिंक 14 to 16 के आसपास होगा अप्रॉक्सीमेटली। 14-15 हज़ार, हाँ, 14-16 हज़ार के बीच। यामहा E373। E373। ओके, नेक्स्ट। इससे अगर किसी को और अच्छा लेना हो, किसी का और बजट, अच्छा लेना तो इसके ऊपर E473, i500। i500 बहुत फेमस मॉडल है। हाँ, बहुत कॉमन है, मतलब जिसका बजट 23 to 25 thousand है वो लोग सब i500 में चले जाते यामहा i500, मेरे हैं। पास भी वो मॉडल है। बहुत अच्छा मॉडल है वो। और अगर बजट बहुत कम है, लाइक 8-9 हज़ार हमारा बजट है, तो आप गो फॉर कैसियो, उसमें यामा का आता नहीं है। यामा का और एक मॉडल आता है बहुत लो बजट में, 10 to 11 thousand में, वो मत लीजिए, दैट इज़ नॉट गुड फॉर, बिकॉज उसमें टच नहीं होता है। तो अगर कम बजट में लेना है तो गो फॉर कैसियो, उसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा मॉडल मिल जाएगा ओके, आठ नौ कैसियो हज़ार रुपये ब्रांड में। में और कम में भी मिल जाता है, हाँ, 8-9 हज़ार में भी मिल मिल जाएगा। जाएगा ठीक है, आपका। हाँ, पर यामा सजेस्ट करते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी साउंड होगी। क्वालिटी अच्छा है, उसका रीड क्वालिटी अच्छा है, प्रैक्टिस करने में आसानी भी, मन अच्छा भी लगेगा थोड़ा, साउंड अच्छा ओके, होगा तो। बिगनर्स के लिए दो मॉडल निकल के हैं, यामा E373 और यामा i500। अगर अब इसके बाद अगर कोई और खर्च करना चाहे और महंगा, तो क्या लेना चाहिए? क्या पियानो पे शिफ्ट करना चाहिए या यामाहा के वो कीबोर्ड लेने चाहिए? अच्छा, अगर इसमें दो पर्सपेक्टिव होगा, अगर प्रैक्टिस का मेन चीज़ है मुझे पियानिस्ट बनना है, मुझे कीबोर्ड करना है, मुझे म्यूजिक में शौक है, मुझे हाथ सही करना है, देन गो फॉर डिजिटल पियानो। तब आप कीबोर्ड पे मत जाइए, 45-50 thousand स्टार्ट होता है डिजिटल पियानो, यामा का ही लीजिए, अगेन यामा, एवरी टाइम ओके, यामा का कोई और भी किसी मॉडल को लीजिए। सिर्फ जैसे पियानो, डिजिटल पियानो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी को सिर्फ सीखना है फिंगर प्लेइंग के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट के नहीं, डिजिटल पियानो का मेन सजेशन का कारण ये है कि किसका कीज जो प्रैक्टिस, होता है ये बहुत हार्ड होता है, वो हैमरिंग जो आप, हैमरिंग कीज बोलते हैं इसको, क्योंकि जो जब कभी पियानो प्ले करोगे तो उसमें क्या होता है, उसका कीज भी इसमें हैमरिंग होता है, ओके, कीबोर्ड वाला कीज नहीं होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो वो उसको प्ले करने के लिए उसका मतलब रेप्लिकेट क्वेश्चन है ये डिजिटल पियानो, जिससे कि हम ये वाला कीज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एकोस्टिक पियानो का दाम तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 5-6 लाख से स्टार्ट होता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए, तो इसलिए हम इसलिए हम लोग लोग डिजिटल पियानो डिजिटल लेते पियानो हैं। लेते हैं। ओके, और कीबोर्ड किस काम के पर्पस के लिए लेंगे अगर महंगा लेना होगा तो? कीबोर्ड महंगा लेना है तो स्टेज शोज करना है, स्टेज प्रोग्राम्स शोज के करना लिए है, प्रोग्राम्स करना। अच्छा, तब कीबोर्ड लेना होगा महंगा, लाइक 50,000-60,000 स्टार्टिंग।
अच्छा, अब समझा कि कीबोर्ड में बहुत सारे साउंड्स होते हैं जिसको बहुत सारे यूज़ साउंड होते भी हैं, उसमें हम साउंड बना भी सकते हैं। ओके, उसको स्टेज शो और प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते करेक्ट, हैं, और पियानो सिर्फ प्लेइंग के लिए हम लोग पियानो प्लेइंग के लिए हम लोग यूज़ करते घर हैं, में, प्रैक्टिस के क्योंकि लिए या फिर पियानो सीखने के लिए प्रॉपरली जो अच्छा पियानो पियानो होता में है। सिर्फ सिंगल साउंड होता है ऐसा कुछ? इसमें होता है 5-10 साउंड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, अच्छा, और बहुत हेवी भी होते हैं, इसको लिए कैरी भी नहीं कर सकते, कैरी भी नहीं कर सकते, ऐसा भी बहुत बड़ा बड़ा होता भी है होता है। डिजिटल पियानो। ये सामने देख रहे हैं, ये है मीडी कीबोर्ड, ये मीडी है ना, हाँ, ये मिडी कीबोर्ड है, इसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके हम लोग बजाते हैं, इसका अपना साउंड नहीं होता। नहीं ओके, तो प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर के साथ ये कीबोर्ड रखना पड़ता है मीडी, करेक्ट, सीखने के लिए हम पियानो या कीबोर्ड लेते हैं। लाली कीबोर्ड। पियानो में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ है पियानो सबसे बड़ा होता है, 88 की कीज का होता है, और कीबोर्ड जनरली 61 का होता है, लेकिन अगर उसका हम पियानो वर्जन चाहते हैं तो उसका 88 की से भी मिलता है। 61 मतलब ये जो हम लोग मिडी कीबोर्ड देख रहे हैं हाँ, ये ये कितने की का है? 49 का है। 49 का, थोड़ा और 1 ऑक्टेव और बढ़ेगा तो 61। हाँ ओके, उसके बाद और एक ऑक्टेव आएगा तो 73, और ओके एक ऑक्टेव आएगा तो 88, जो ओके, जनरली पियानो का होता है, और ये जो हम देख रहे हैं ये 88 कीज का है, 88 कीज का है, डिजिटल पियानो। डिजिटल पियानो है। इसमें मेन डिफरेंस होता है ये कीज, नॉर्मली अगर मीडी में हम देखेंगे तो ये कीज बहुत लाइट होता है, हल्का प्रेस करेंगे तो प्रेस हो जाएगा और साउंड भी आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, हल्का प्रेस करेंगे तो साउंड बहुत कम आता है, तो इसको लाउड करने के लिए हम लोग को बहुत प्रेशर देना पड़ता है उंगली में, फिंगर्स में, सो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्ले करने में। मतलब जो मैनुअल पियानो का जो एक्वेस्टिक टच है, हाँ जो जैसे मान लीजिए लकड़ी का जो बनाया जाता था उसमें ये कीज लगते थे, जो भारीपन होता था हैमरिंग, हाँ, वो फील लाने के वो लिए फील ऐसा लाने के की। लिए ऐसे बनाया जाता है। ओके, संगीत को सही ढंग से सीखने और समझने के लिए इंडियन म्यूजिक आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें।